हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वंदे मातरम। हम शरीर द्रव्य और परिसंचरण तंत्र पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पूर्व लेक्चर के दौरान एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में हमने अध्ययन किया था, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक को हम कह रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम या संवहन तंत्र। हृदय की दीवार के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र का डेवलपमेंट होता है, तंत्र बनता है, इसे हम कहेंगे संवहन तंत्र कहेंगे, या परिवहन तंत्र कहेंगे, या कंडक्टिंग सिस्टम कहेंगे। इस सिस्टम का निर्माण है वो हृदय की जो मायोकार्डियम लेयर है, जो हृदय के अंदर पेशियां पाई जाती है, जो हार्ट के अंदर मसल्स पाई जाती है, इस मसल्स के मॉडिफिकेशन से एक सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। इस सिस्टम को हम यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि हृदय कंप्लीट है, जो हार्ट के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो मसल्स, कार्डियक मसल्स के मॉडिफिकेशन से बनती है। 99% पार्ट है वो कार्डियक टिश्यू बनाता है, वो कौन बना रहा है यहाँ पर? हृदय की पेशियां बना रही है। 1% पार्ट है वो नोडल टिश्यू बना रही है। नोडल टिश्यू कौन बना रहा है यहाँ पर? हृदय की पेशियां बना रही है। आज हम उसी 1% पार्ट की बात करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर जो कार्डियक स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें वेंट्रिकल और ओरिकल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो मॉडिफिकेशंस है, जो हार्ट की कार्य प्रणाली में जो फंक्शन की है वो क्रिया में कहीं ना कहीं वो यहाँ पर यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर ओरिकल के अंदर पढ़ा था यहाँ जो मस्कुलर पेक्टिनी एक स्ट्रक्चर होती है। वेंट्रिकल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर जिसमें कोलमन कार्नी, पेपिलरी मसल्स, कोर्डा टेंडिनी, ये संरचनाएं हमने यहाँ पर पढ़ी थी अपने प्रीवियस वीडियो के दौरान, प्रीवियस लेक्चर के दौरान। आज हम उसका एक नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन पार्ट है, पेशियों का मॉडिफिकेशन पार्ट है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं नोडल टिश्यू कहते हैं, और ये नोडल टिश्यू बनाती है एक सिस्टम। इस सिस्टम को कहा जाता है कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम है उसका निर्माण करेंगे। और हम यहाँ पर एक स्लाइड के द्वारा हम बात करते हैं, यहाँ संवहन मार्ग बना रहे हैं, किस प्रकार से कंडक्टिंग सिस्टम है का हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, तो इस बात पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ तो आपके लिए एक स्लाइड बनाई गई है, हृदय का कंडक्टिंग सिस्टम है। तो हृदय का कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार से होता है, इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कंडक्टिंग सिस्टम जो हार्ट है उसका निर्माण कौन करता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम का निर्माण है वो पेशियां करती है, जिसे हम कार्डियक पेशियां कहती हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट कहा गया है बच्चों कि संपूर्ण हृदय की मांसपेशियों से बना होता है। बिल्कुल, हमने अभी बात की थी कि हृदय का अधिकांश भाग है या संपूर्ण हृदय है अंदर से किससे बनता है, तो हम कहेंगे मांसपेशियों से। किस प्रकार की मांसपेशियां होती है, इन पेशियों को हम कार्डियक मसल्स या कार्डियक पेशियां या हृदय पेशियां कहते हैं। ये हृदय पेशियां जो दो प्रकार के टिश्यू बनाती है, एक कार्डियक टिश्यू बनाती है। कार्डियक टिश्यू बच्चों आपको बताया था कि 99% पार्ट होता है, और दूसरा प्रकार का जो टिश्यू होता है इसे हम यहाँ पर नोडल टिश्यू कहते हैं। नोडल टिश्यू कुल हृदय का 1% पार्ट होता है। इसी नोडल टिश्यू के कारण हृदय में तरंगे उत्पन्न होती है, इंपल्स डेवलप होता है। इस इंपल्स के कारण हृदय में संकुचन, सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और फैलाव होगा। इसी कारण हृदय क्या पंप करता है, इसी नोडल सिस्टम के कारण। इसलिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट संरचना बनती है। या हृदय के अंदर अपन देखे आलिंद और नीले में अपन पेशीय या मस्कुलेचर संरचना देखें, तो संपूर्ण हृदय में ये पेशियां, ये मसल्स है वो समान रूप से नहीं पाई जाती। भिन्न भिन्न भाग में आवश्यकता अनुसार इसकी थिकनेस अलग अलग होती है, इसकी मोटाई अलग अलग होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकल की मोटाई ओरिकल की अपेक्षा करते नीले की भित्ति की थिकनेस आलिंद की भित्ति की अपेक्षा कर अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि नीले में जो रक्त आता है, ये रक्त शरीर को पंप किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों को पंप किया जाता है, इसलिए तेजी से संकुचन की आवश्यकता होती है। और तेजी से जैसे ही संकुचन होगा तो हार्ट शरीर के डिफरेंट डिफरेंट भागों को रक्त है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर। इसलिए नीले की भित्ति है वो मोटी होती है, थिकनेस अधिक होती है, और
खारिंदे की भित्ती की थिकनेस है वो कम होती है, क्यों? क्योंकि पेशियों की है वो थिकनेस है वो भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है। इसी कार्डिय के जो नोडल टिश्यू है इसके बारे में हम यहाँ आगे बात करें कि यह एक विशिष्ट हृदय पेशी होती है जिसे हम नोडल उत्तक कहते हैं, जो संपूर्ण हृदय में वितरित रहती है। ये नोडल टिश्यू पूरे हृदय में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के नोडल टिश्यू होते हैं, कौन कौन से नोडल टिश्यू होते हैं, तो एक स्लाइड के द्वारा हम बात करें यहाँ पर। तो हृदय की एक संरचना हम ले, जनरली हम बताते हैं ये हमारा हृदय है, इस प्रकार से ये हम हमारा हर्ट बनाए, ये हर्ट हम बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं ये हर्ट, ये हमारा हर्ट है। इसमें ये एक भाग को हम कहेंगे यहाँ पर, इस भाग को कहते हैं राइट ओरिकल, इस भाग को हम कहेंगे लेफ्ट ओरिकल, इस भाग को कहेंगे हम राइट वेंट्रिकल, इस भाग को हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है। इसके बाद में आप देखिएगा इस हृदय में और कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो अब यहाँ नोडल टिश्यू की बात कर रहे हैं, केवल नोडल टिश्यू आलिंद के अंदर पाए जाते हैं। आलिंद में जहां उपस्थित होते हैं तो उसमें कुछ हिस्सों को जो इंपॉर्टेंट हिस्से है उनकी बात करूंगा। आलिंद में यहाँ पर प्रवेश करता है राइट पार्ट में, एक रक्तवाहिनी यहाँ पर प्रवेश करती है और ये रक्तवाहिनी है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर प्री केवल के नाम से जानते हैं। प्री केवल का मीनिंग है अग्र महाशिरा के नाम से भी इसे जानते हैं। इस अग्र महाशिरा के पास में यहाँ पर एक बड़ी नोड लाइक इस प्रकार से अनियमित संरचना, एक नोड पेशी संरचना पाई जाती है। इस नोड को हम यहाँ पर SA नोड, इस नोड को क्या कहेंगे बच्चों, इस नोड को SA नोड कहेंगे। ये SA नोड फर्स्ट नोडल टिश्यू है जो कहाँ होता है, राइट एट्रियम में होता है। राइट एट्रियम में भी कहाँ होता है, राइट एट्रियम के राइट भाग में प्री केवल अगर महाशिरा के समीप ये स्थित होता है। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे नोड। अब इस ऐसे नोड को हम देखिएगा, ये नोड नंबर एक हुए। इस ऐसे नोड का पूरा नाम आपसे पूछ ले तो ऐसे नोड का पूरा नाम है साइनो ओरिकुलर नोड भी कहते हैं इसे, फुल फॉर्म ऑफ द ऐसे नोड ये कहेंगे, शॉर्ट में इसे SAN के नाम से भी जानते हैं। और भी इसके कई नाम दिए गए हैं, और क्या क्या नाम दिए गए हैं इसे आप बच्चों देखिएगा, पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। इसका और भी नाम दिया गया है इसे, हर्ट विद इन हर्ट भी कहते हैं, हृदय के भीतर हृदय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेम किया जा सकता है हृदय के भीतर हृदय कौन सा भाग है, हृदय के भीतर हृदय है वो ऐसे नोड को हम कहते हैं। तो इस बात को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ पर ऐसे नोड कहाँ होता है, दाई आलिंद के दाई भाग में ऊपरी किनारे पर प्री केवल का अगर महाशिरा के जहां खुलती है उसके समीप पाई जाने वाली एक नोडल, जो पेशी नोडल होता है, उस नोडल को हम यहाँ पर ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड किस से बनता है तो कार्डियक मसल्स के द्वारा ऐसे नोड बनता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई, ऐसे नोड का निर्माण किससे हुआ, ऐसे नोड का निर्माण यहाँ पर कार्डियक मसल्स से हुआ। ठीक है, आगे चले यहाँ। अब ऐसे नोड में कुछ न्यूरॉन भी पाए जाते हैं तो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। इसके बाद में देखिएगा एक नोड और होता है, इस नोड को हम कहते हैं यहाँ पर AV नोड कहेंगे। यहाँ पर दूसरा ये नोड पाया जाता है AV नोड आपसे कहे कहाँ होता है, इस नोड का नाम मैं ये लिखूं, इस नोड को हम कहते हैं AV नोड। ओके, नोड नंबर दो, AV नोड का पूरा नाम है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहेंगे या AV नोड कहेंगे। या अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि AV नोड कहां उपस्थित होता है। तो AV नोड आप देखिएगा बच्चों, AV नोड एक तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो सल्कस है, इस सल्कस को हम कहेंगे इंटर ओरिकुलर सल्कस के पास में IAS के समीप AV नोड स्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है AV नोड और कहां स्थित होता है, तो आप कह सकते हो कोरोनरी सल्कस, जिसे AV सल्कस भी कहेंगे, AV सल्कस। AV नोड कहां उपस्थित होता है, तो दाएं आलिंद में बाएं भाग की तरफ
एवी सल्कस के समीप बाएं भाग में आईएएस के समीप स्थित होता है और कहां खुलता है ये एवी नोड, और भी कह सकते हैं यहां पर। तब देखिएगा यहां इसके सब पास में एक एक यहां पर रक्तवाहिनी ओपन होती है, एक इंपॉर्टेंट रक्तवाहिनी ओपन होती है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। इसका नाम दिया गया है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। तो एवी नोड आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती है कहां उपस्थित होता है, कोरोनरी साइनस के समीप में एवी नोड उपस्थित होता है। तो कहीं से देखिए दो पॉइंट बने, दो नोड बने, दो नोड के क्वेश्चन यहां कई तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये चीज बच्चों यदि हमारी बहुत अच्छी तरह हमने अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत अच्छी तरह हमने बच्चों समझ लिया, तो आप क्या कहोगे कि एक एक क्वेश्चन का आंसर हम बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे। तो वन बाय स्टेप बाय स्टेप है इस क्वेश्चन को आप, इस टॉपिक को आप समझे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है। नोडल टिश्यू 1% बनता है, लेकिन आगे हम टॉपिक करेंगे हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल या ईसीजी करेंगे, ये सब चीजें, ये सब टॉपिक इसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए इसको इतना अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर ले ताकि आगे के टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न हो। और आप पूरा का पूरा अपना अटेंशन इस बोर्ड पे, इस स्क्रीन पे रखें, और स्क्रीन पे यदि आपका अटेंशन रहेगा तो इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे चलिए हम यहां वन बाई वन। तो हमने बात की यहां पर एक ऐसे नोड, हमने बात की यहां पर एवी नोड। अब देखिए ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में कुछ फाइबर पाए जाते हैं। तीन फाइबर यहां पर दिखा रहा हूं मैं, एक फाइबर ऊपरी फाइबर, एक फाइबर बीच का फाइबर, एक फाइबर मध्य फाइबर। तो एक यहां पर एक पाथ बनता है। ये पाथ क्या करेगा, ऐसे नोड से जो संकुचन तरंग उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन बनता है कि संकुचन तरंग कहां उत्पन्न होती है, आंसर आएगा अपना ऐसे नोड है वहां से संकुचन तरंग उत्पन्न होती है। ये संकुचन तरंग 70 से 80 पर मिनट के हिसाब से एक्शन पोटेंशियल के रूप में, एक्शन पोटेंशियल ये नर्वस सिस्टम में अपन करेंगे इसकी डिटेल, एक्शन पोटेंशियल क्रियात्मक विभव के रूप में उत्पन्न होती है संकुचन तरंगे ये। और ये तरंगे फिर यहां इंटरनोडल पथ में गति करेगी और एवी नोड को स्टिमुलेट करती है, फिर एवी नोड खुद भी अपनी संकुचन तरंग उत्पन्न कर रही है। तो इस प्रकार से इसके बीच में ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में पाए जाने वाला जो पाथ है, इस पाथ को हम इंटरनोडल स्पेस कहेंगे, इस रास्ते को हम यहां पर इंटरनोडल पाथ के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, इंटरनोडल पाथ किसे कहेंगे, तो इसे इंटरनोडल पाथ कहेंगे। यहां से ऐसे नोड से एक और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां एक फाइबर और डेवलप होता है जो यहां लेफ्ट ओरिकल के अंदर यहां फैला रहता है। यहां पूरा का पूरा एक फाइबर है यहां जिसे हम बैकमैन फाइबर के नाम से जानते हैं, बैकमैन बंडल कहते हैं। इसे बंडल को डिस्कवर किया था किसने, एक साइंटिस्ट है बैकमैन, तो इनके रेस्पेक्ट में एक बंडल बना दिया गया, नाम दे दिया गया, इसे हम कहेंगे बैकमैन बंडल कहेंगे। बैकमैन बंडल क्या करता है, यहां से जो संकुचन तरंग उत्पन्न होगी उसको कहां भेजेगा, इसको यहां पर लेफ्ट ओरिकल के अंदर भेजेगा, जिससे राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल है दोनों एक साथ संकुचित होते हैं। राइट ओरिकल पहले शुरू होता है, लेफ्ट ओरिकल थोड़ा सा बाद में शुरू होता है। या तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ओरिकल में संकुचन तरंग जब पहुंच जाती है तो दोनों ओरिकल एक साथ संकुचन होंगे, और जब दोनों ओरिकल एक साथ संकुचन होंगे तो यहां इस ओरिकल के अंदर जो रक्त है वो वेंट्रिकल में, अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट ओरिकल का रक्त है वो राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का रक्त है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ओरिकल का रक्त है सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पर आ जाता है। कब, जब दोनों ओरिकल एक साथ संकुचित होते हैं। तो ये बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये संकुचन तरंग यहां कौन उत्पन्न करता है, ऐसे नोड उत्पन्न करता है, ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाती है, ऐसे नोड से बैकमैन बंडल के द्वारा यहां एले के पास में, लेफ्ट ओरिकल के पास में, लेफ्ट ओरिकल की दीवार में यह संकुचन तरंगे यहां पर फैलती है। इन एवी नोड और एवी ऐसे नोड के बीच के पाथ को, बीच के रास्ते को यहां इंटरनोडल पाथ कहते हैं। क्लियर यहां तक की बात। आगे हम देखेंगे यहां नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बन रही है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि यहां पर एवी नोड से कुछ बंडल बनते हैं, यहां कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होती है एवी नोड से, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, यहां
यहां देखिए कुछ स्ट्रक्चर बन रही है, इस प्रकार से बंडल बन रहा है, एवी नोड से ये बंडल डेवलप हो रहा है, इसलिए इसे एवी बंडल भी कहते हैं। ये फाइबर जो है नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, नीचे की ओर गति करेंगे, कहां गति करेंगे, किस में गति करेंगे, तो आप देखेंगे एक सल्कस है, इस सल्कस को हम कहते हैं एवी इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, इसके शीट में यह गति कर रही है। इसके बाद में ये जो यहां पर एवी नोड है कि एवी बंडल हम कह सकते हैं, इन बंडल को क्या कहेंगे, एवी बंडल, इसे एवी बंडल नाम दे दिया, इसको डिस्कवर किया था हिज ने, इसलिए इसे बंडल ऑफ हिज कहा गया, बंडल ऑफ हिज कहा गया। एवी बंडल क्या कर रहे हैं, यहां अलिंद से उत्पन्न हो रहे हैं, फिर निलय में जा रहे हैं, अलिंद और निलय की पेशियों को इंटरकनेक्ट करने का काम कर रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि अलिंद और निलय की पेशियों को कनेक्शन करने का काम, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ये बंडल काम करते हैं, बंडल ऑफ हिज काम करते हैं। बंडल ऑफ हिज को डिस्कवर किया था हिज नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए बच्चों इसका नाम दे दिया बंडल ऑफ हिज। बात क्लियर यहां तक कि बंडल ऑफ हिज है, इसी का नाम है एवी बंडल भी हम कहते हैं। ये एवी बंडल नीचे की तरफ यहां पर ले डाउन हुए, जैसे जैसे नीचे गए आगे चल के ये बंडल है दो भाग में यहां पर विभाजित हो गए। इस प्रकार से ये बंडल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बंडल को हम कहेंगे राइट एवी बंडल, दूसरे बंडल को हम कहेंगे यहां पर लेफ्ट एवी बंडल, राइट वेंट्रिकल की दीवार में प्रवेश करने वाले बंडल को राइट बंडल, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में प्रवेश करने वाले बंडल को लेफ्ट एवी बंडल कहते हैं। तो इसकी दीवार में ये दोनों बंडल है वो विभाजित होके दो शाखाओं में यहां पर विभाजित होके प्रवेश कर जाते हैं। अब इस बंडल से कुछ शाखाएं और निकलती है, कुछ पुंज निकलता है जो एंटायर वेंट्रिकल, संपूर्ण वेंट्रिकल है उसको यहां पर घेरे रखता है। इस प्रकार से ये पुंज निकलता है और पूरे वेंट्रिकल में ये फैले रखता है ये पुंज, जो इस प्रकार से ये एक हम कह सकते हैं फाइबर्स होते हैं, या ये कहें कि ये फाइबर्स है जो संपूर्ण वेंट्रिकल को यहां पर घेरे हुए है, वाल को घेरे हुए है। ये पुंज क्या कहलाते हैं, इसे हम कहते हैं परकिंजे, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर कहेंगे। परकिंजे एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस फाइबर को डिस्कवर किया था, इसलिए इन फाइबर का नाम क्या दे दिया गया, परकिंजे फाइबर कहते हैं। संपूर्ण वेंट्रिकल की दीवार को ये कवर किए हुए रखती है। इसका क्या योगदान है, देखिएगा जैसे ही संकुचन तरंग यहां से यहां आगे गति करेगी, ओरिकल से वेंट्रिकल में आएगी, वेंट्रिकल से या बंडल ऑफ हिज से होती हुई ये संकुचन तरंग है वो यहां पर इस बंडल ऑफ हिज की शाखाओं में आती हुई अंत में यहां परकिंजे फाइबर के द्वारा निलय की दीवार में फैल जाती है। जिस ही निलय की दीवार में ये संकुचन तरंगे फैल जाएगी तो दोनों निलय को एक साथ संकुचित करवाती है। दोनों निलय जिस ही एक साथ संकुचित होंगे सिस्टोलिक कंडीशन में आएंगे तो राइट वेंट्रिकुल का, राइट निलय का जो रक्त है अशुद्ध रक्त है वो यहां पर पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो शुद्ध रक्त है वो या सिस्टेमिक एओर्टा में जाएगा, और सिस्टेमिक एओर्टा से संपूर्ण शरीर में यहां पर फैल जाएगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये बात आप यहां पर बच्चों समझ चुके होंगे, यहां किस प्रकार से इसे रक्त को डिस्ट्रीब्यूट करता है और इस नोडल सिस्टम का क्या योगदान है। तो ये एक जनरल मैंने सिनेरियो आपको समझा दिया कि इस प्रकार से एक नोडल टिश्यू होता है जो 1% पार्ट बना रहा है हार्ट में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंडक्ट कर रहा है। इसका नाम है कंडक्टिंग सिस्टम, इसलिए दिया गया कि ये क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ये उद्दीपन का चालन कर रहा है, उद्दीपन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम कर रहा है, लेकिन सर्वप्रथम कॉन्ट्रेक्शन वेव की इनिशिएटिंग प्रारंभीकरण ऐसे नोड से होता है, ऐसे नोड से होता है, इसलिए हम कहते हैं हमारा हृदय ऑटो एक्साइटेबल है, किसी प्रकार के बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती हृदय को संकुचित करने के लिए।
बात समझ में आ रही है आपके कि हृदय है हमारा, इसको संकुचित करने के लिए कोई बाह्य आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और खुद ही फैलता होता है। इसलिए हम कहेंगे इसे कि ये ऑटो एक्साइटेबल है, स्व प्रेरित हृदय है। दूसरी बात, हमारा हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। मायोजेनिक क्यों कर रहे हैं बच्चों? इसलिए कर रहे हैं मायोजेनिक कि हमारे पूरा का पूरा हृदय मसल्स के द्वारा कवर किया हुआ है और यही मसल्स है वो कार्य करती है। किसी प्रकार के न्यूरॉन का बहुत बड़ा योगदान हमारे हृदय के संकुचन में नहीं होता है, बट रेगुलेशन एक अलग बात है, रेगुलेशन करते हैं कुछ न्यूरॉन, बट यहाँ खुद के संकुचन में किसी न्यूरॉन का कोई बड़ा योगदान नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं हमारा हृदय मायोजेनिक है और ऑटो एक्साइटेबल है। ये दो शब्द आप याद रखें, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और करता आया है। तो ये बात है, हम यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब आगे वन बाई वन है, हम यहाँ पर करें कि क्या किस प्रकार से ये पाया जाता है, ये समन मार्ग क्या होता है। नीट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार फ्रेम किया गया है कि कंडक्टिंग सिस्टम का पथ क्या है। तो पाथ की बात करें, सबसे पहले ऐसे नोड जिसे पेसमेकर कहते हैं, और इसका एक नाम और भी बताया था, हार्ट विद इन हार्ट भी कहा जाता है, हृदय के भीतर हृदय भी इसे कहा जाता है। तो यहां पर इनिशिएटिंग ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन वेव इनिशिएटिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्शन वेव संकुचन तरंग की उत्पत्ति कहां से होती है? तो आपका आंसर होगा, ऐसे नोड से संकुचन तरंग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में यह संकुचन तरंग कहां जाएगी? इंटरनोडल मार्ग में जाएगी। तीन फाइबर होते हैं इसमें, मैंने बताया ये ऐसे नोड है, ये यहां पर एवी नोड है, ओके। इसमें एक फाइबर है ऊपर से ऊपरी फाइबर, एक नीचे से पोस्टीरियर फाइबर, एक फाइबर यहां पर। इस प्रकार से ये संकुचन तरंगों का चालन होगा। इसको हम कहेंगे एस ए एन, इसको कहेंगे एवी एन, एवी नोड और ऐसे नोड हो गया। एक एक कुछ फाइबर, मैंने कहा एक और बंडल निकलता है, इसे बैकमेन फाइबर कहती है, जो वेंट्रिकल है, जो ओरिकल लेफ्ट ओरिकल की तरफ जाता है। इस प्रकार का ये नोडल मार्ग पाया जाता है। इस यहाँ एवी नोड और एसी नोड के बीच के मार्ग को हम इंटरनोडल मार्ग कहेंगे। इसके बाद में संकुचन तरंग आएगी एवी नोड के पास में, एवी नोड को हम यहाँ पेस सेटर भी कहते हैं, यहाँ एवी नोड को पेस सेटर, इसका नाम पेस सेटर भी दिया गया है, या रिजर्व पेस मेकर भी इसे कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि वन बाई वन यहां पर हम बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर यहां बच्चों बात? आगे देखिए हम, फिर एवी नोड से बंडलों बीच या एवी बंडल की तरफ, फिर पकिंजे तंतु की तरफ है, जो दाएं और बाएं दोनों नीले में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से एक पथ बनता है और ये पथ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पथ से फ्रेम किया गया है। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, इससे पहले 2015 में ये क्वेश्चन आया था, 2011 में ये क्वेश्चन आया था। तो कहीं से इस पाथ को किसी तरीके से पूछ सकते हैं, इसके बीच बीच में हम यहाँ भी कोई सा भी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। तो ये इसलिए पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाई वन यहाँ पर करें कि आगे देखें कि कंडक्टिंग धारा क्या है, वो सबसे ज्यादा किस में होती है? प्रकिंजे तंतुओं में होती है, सबसे तेज होती है, सबसे स्पीड से गति करता है, और एवी नोड में ये सबसे धीमी होती है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी यहां पर? तो आप कहोगे प्रकिंजे फाइबर के अंदर जो इंपल्स की स्पीड है, इंपल्स की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इस बात को हम यहां पर क्लियर कर सकते हैं, ओके। आगे चले बच्चों, तो अब देखिएगा कि एक हर्ट की स्ट्रक्चर दिखाई गई आगे। इस हार्ट की स्ट्रक्चर के द्वारा बताया गया है कि कैसे ये नोडल टिश्यू उपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुंदर डायग्राम बनाए गए आपको समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट आ गया कि आगे के जितने भी टॉपिक्स आएंगे इसमें, वो सब इसके ऊपर डिपेंड है। ये हार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, इसके अंदर चार चैम्बर बताए गए हैं,
आज हम केवल नोडल टिश्यू की बात करेंगे, तो ये यहां दिखाया गया है, ऐसे नोड दिखाया गया है, ऐसे एन इसे कहेंगे। इसके बाद में दूसरा जो नोडल टिश्यू है ये दिखाया गया है येलो कलर का, इसे हम ए वी नोड कहेंगे। ये ए वी बंडल है, यहां बंडल है, दो शाखाओं में विभाजित है, फिर आगे चल के ये यहाँ प्रकिंजे फाइबर में डिवाइड हो रहा है, ये आगे चल के यहाँ पर प्रकिंजे फाइबर में डिवाइड हो रहा है। तो ये सब हिस्सा कहाँ कहाँ उपस्थित है, ये यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये यहाँ पर है, इसके भाग में ये राइट वेंट्रिकल है, ये यहाँ पर राइट ओरिकल है, ये यहाँ पर लेफ्ट ओरिकल है। तो ये पोजिशन हमें यहाँ पर पहले कर चुके हैं, लेकिन हमें अब पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर है कहाँ उपस्थित है, यहाँ हम आंसर दे सकते हैं। फिर एक और डायग्राम, और स्पष्ट डायग्राम, यहाँ सुंदर डायग्राम लिया गया, एक ब्यूटीफुल स्लाइड ली गई है। यहाँ फिर देखिए आप, ऐसे नोड दिखाया गया है, ये कौन सी नोड है, ए वी नोड है, इसे छोटा है, इसमें तीन यहाँ पर पथ है, ये तीन बंडल है, इसे एक और बंडल निकला हुआ है, इसे हम कहेंगे बैकमैन बंडल, इसको हमें बैकमैन ने बंडल कहेंगे, बीबी बैकमैन बंडल इसके नाम से जानते हैं ये। और फिर ये आप देखिएगा, यहाँ राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर ये प्रकिंजे फाइबर के फाइबर है वो इस प्रकार से फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग डायग्राम अलग अलग स्लाइड के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपके दिमाग में सेट हो गया, ब्रेन में सेट हो गया, तो फिर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर एक हमने अब केवल नोडल सिस्टम को बाहर निकाला, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नोडल सिस्टम किससे बनता है, तो ये पूरा का पूरा नोडल सिस्टम है। नोडल सिस्टम को निर्माण करने के लिए ऐसे नोड भाग लिया है, यहां पर नोडल सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है इस एरिया को हम क्या कहेंगे, ऐसे नोड कहेंगे। नोडल सिस्टम के निर्माण करने के लिए ये क्या है, इसको हम ए वी नोड कहेंगे, यहां पर नाम दिया गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनोरिकुलर नोड, इसके बीच में तीन फाइबर है, ये फाइबर है, यहाँ पर एक दो तीन फाइबर है, यहाँ थ्री फाइबर है, इसे इंटरनोडल पथ कहते हैं। एक फाइबर एक बंडल इधर निकल रहा है, जो कहाँ आ रहा है, ये लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है, इसको हम कहते हैं बैकमैन बंडल कहते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बंडल है, जो इम्पल्स को यहाँ लेफ्ट एट्रिया में पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि लेफ्ट एट्रिया में इम्पल्स किस बंडल के द्वारा पहुंचते हैं, ऐसे नोड से, तो बैकमैन बंडल के द्वारा पहुंचते हैं, या ऐसे ही यहाँ फिर इसे ओरिजिन हो रहा है, ए बी बंडल ओरिजिन हो रहा है, दो शाखाओं में डिवाइड हो रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जाएगा, एक राइट की तरफ जाएगा, फिर यहाँ फाइबर्स बनेंगे, ये फाइबर्स बनेंगे, इन फाइबर को हम क्या कहेंगे, इन फाइबर को हम कहते हैं यहाँ प्रकिंजे फाइबर कहते हैं, जो बंडल के रूप में प्रेजेंट है, ऐसे बंडल को लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल और एंटीरियर बंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना, इस सिस्टम को बच्चों हम क्या कहेंगे, नोडल सिस्टम कहेंगे। तो अब मैं ध्यान तक समझता हूं कि इस नोडल सिस्टम के बारे में आप बहुत अच्छी तरह यहां पर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक सिनेरियो बन गया है कि नोडल सिस्टम अपने हर्ट में कहां कहां कैसे कैसे उपस्थित है। एक फाइबर के रूप में तो कंप्लीट किससे बना हुआ है, पेशियों के द्वारा यहां पर बना हुआ है, मसल्स के द्वारा यहां पर बना हुआ है। अब आगे हम चले, यहां इसका डिस्क्रिप्शन देख ले। सबसे पहले हम यहां पर बात करें ऐसे नोड की, ऐसे नोड क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एस ए नोड, एस ए एन, ऐसे नोड क्या कहता है, इसे पेसमेकर भी कहते हैं, ये हृदय का, पेसमेकर को हिंदी में कहते हैं गति प्रेरक, हृदय का गति प्रेरक है, पेसमेकर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि हृदय का पेसमेकर कौन है, ऐसे नोड है। पेसमेकर वह पार्ट है, वह नोड है जहां पर संकुचन तरंग उत्पन्न होती है। आयु के साथ साथ आप देखिएगा, वृद्ध व्यक्तियों में हृदय के अंदर कई बार पेसमेकर खराब हो जाता है, तो साइंटिस्ट डॉक्टर्स आर्टिफिशियल पेसमेकर का उपयोग करके हृदय में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और ट्रांसप्लांट करके हम हमारी लाइफ को और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल ट्रांस जो पेसमेकर है वो भी मार्केट के अंदर उपलब्ध है, यदि हमारा पेसमेकर खराब हो जाए तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर है वो काम में ले सकते हैं। या ये कहां उपस्थित होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दाहिने आलिंद में अग्रमाशिरा के समीप स्थित होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम किया गया है कि यहां पर ऐसे नोड की पोजिशन क्या है, दाहिने आलिंद में दाएं भाग की तरफ अग्रमाशिरा के समीप स्थित होते हैं।
इसमें स्वप्रेरकता की उच्चतम क्षमता होती है, अर्थात ऑटो एक्साइटेबल की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो ये बात यहां पर बच्चों समझ में हो गई। मैं फिर यहां पर बना के ये अपना मान लो राइट ओरिकल है, ओके। यहां पर क्या खुल रहा है, यहां खुल रही है क्या, इसको कहेंगे प्री केवल, प्री केवल अग्रमा शिरा खुल रही है। इसके पास में यह है, इसका नोड उपस्थित है, इसको हम कहेंगे एस ए नोड कहेंगे। तो ये बात हम यहां पर समझ चुकी है, क्लियर बच्चों। बड़े आकार की होती है, यहीं से तरंगे उत्पन्न होती है, तरंगे आपसे कहे यहां से इस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती है। ये तरंगे, ये वेव, कॉन्ट्रेक्शन वेव डेवलप होती है। तो इनिशिएटिंग ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन वेव फ्रॉम दी एस ए नोड, तो ये आप यहां बता सकते हो ऐसे। इसके बाद में कितनी वेव उत्पन्न होती है, 70 से 80 प्रति मिनट की दर से उद्दीपन उत्पन्न करती है, लेकिन सहन क्षमता बहुत कम होती है। उद्दीपन कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर नीट के अंदर है, पूछा जाता है ये कि कितने उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। तो एक मिनट में जो एक्शन पोटेंशियल, उद्दीपन का मीनिंग क्या है यहां पर, क्रियात्मक विभव, एक्शन पोटेंशियल, ये वर्ड यहां पर एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है 70 से 80 एवरेज हम देखे तो 75 हम लिख सकते हैं। तो 75 पर मिनट एवरेज के हिसाब से ये उत्पन्न होता है। इसी आधार पर हार्ट बीट बनती है, हृदय धड़कन बनती है। तो कितनी धड़कन एक मिनट में हृदय में बनती है, तो हम कहते हैं 75 धड़कन 75 वो बीट है वो 1 मिनट में बनती है। तो ये एक यहां क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से उत्पन्न उद्दीपन है उसमें सहन क्षमता बहुत ही कम होती है, और तथा संकुचन तरंग उत्पन्न केंद्र होता है, यही वह केंद्र है जहां संकुचन तरंग उत्पन्न हो रही। इसकी खोज सबसे पहले केत और फेक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और मेंढक में ऐसे नोड साइनस वीनोसस में पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खोज का पता होना चाहिए कि केत और फेक ये अपने एनसीईआरटी में शब्द नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं पहले अपने प्रीवियस एग्जाम में कि ऐसे नोड को डिस्कवर किसने किया था। तो आपका आंसर क्या आएगा, केत और फेक नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था, और फिर कंपेयर किया दूसरे जीवों से। फ्रॉग हमारे सिलेबस में है, फ्रॉग में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या पेसमेकर पाया जाता है, तो आप कहोगे बिल्कुल पेसमेकर पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है, परंतु एवी नोड नहीं होता है। ऐसे नोड होता है तो कहां होता है, क्या आलिंद के अंदर होता है, नहीं आलिंद के अंदर नहीं होता, उसमें उसमें एक अन्य चेंबर पाया जाता है आलिंद से जुड़ा हुआ, इसे हम कहते हैं साइनस वीनोसस। तो इस साइनस वीनोसस में एस ए नोड उपस्थित होता है। तो ये बात आप बच्चों ध्यान रखें यहां, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है। फिर इसके बाद में दूसरा जो इस नोडल पथ का बनता है, इंटर नोडल पाथ, यह तंत्रिका पेशीय जाल से निर्मित पथ है। साथ में तंत्रिका और पेशीय जाल दोनों होते हैं यहां, जो ऐसे नोड को एवी नोड से जोड़ने का काम करता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऐसे नोड, एवी नोड और पथ का निर्माण किससे होता है, तो मैंने कहा कि कार्डियक पेशियों से होता है, कार्डियक मसल्स। एस ए नोड प्लस इंटर नोडल पथ प्लस एवी नोड, ये ध्यान रखें तीनों जो संरचना है इसका निर्माण किससे हुआ, हम कहेंगे कार्डियक, कार्डियक मसल से हुआ। लेकिन इसके साथ में कुछ फाइबर, न्यूरॉन फाइबर भी ध्यान रखें, न्यूरॉन फाइबर भी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे ना नहीं कह सकते कि न्यूरॉन फाइबर नहीं होते। सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन होते हैं वो यहां पर आके इस फाइबर में खुलते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसके साथ में सम न्यूरॉन फाइबर है वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसा ऑप्शन में मिलता है। केवल पेशियां, पेशियां और न्यूरॉन फाइबर, तो आपका आंसर होगा पेशियां और न्यूरॉन फाइबर है वो इस नोडल पथ में, ऐसे एन के साथ में, इंटर नोडल पथ के साथ में और एवी नोडल के साथ में ये स्ट्रक्चर से पाई जाती है। तो ये एक क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद में तीसरा बात है, तीसरी संरचना है एवी नोड, एवी नोड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, इसे पेस सेटर भी कहते हैं, इसे रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं। तो ये
क्या कहा जाता है, इसे संरक्षित गति प्रेरक, इसका मीनिंग रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं। इसकी खोज टवेरा और एस्कोप नामक वैज्ञानिक ने की थी, साथ में कैंट का भी एक इसमें योगदान है, इसलिए इसे टवेरा एंड एस्कोप नोड के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे नोड से छोटा होता है और एट्रियो और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तथा कोरोनरी साइनस छिद्र के समीप दाई आलिंद के निचले भाग में, निचले बाएं कोने में स्थित होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखें। मैं फिर यहां पर बना रहा हूं, एक चैम्बर बना रहा हूं, ये चैम्बर किसका है, एक सिंगल चैम्बर बना रहा हूं, ये चैम्बर है यहां पर राइट एट्रियम। इसके इस कोने में तो एक बड़ी गांठ थी, इस गांठ को हम क्या कहेंगे, यहां पर ऐसे नोड था, ऐसे नोड। इसी प्रकार इस कोने में यहां पर क्या है, यहां छोटी गांठ है, इस गांठ को हम कहेंगे यहां ए वी नोड, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर है। इधर तो यहां पर क्या है, ए वी सल्कस, इधर क्या है दूसरी साइड में, यहां पर इस सल्कस को हम कहेंगे यहां पर इंटर ओरिकुलर सल्कस, और इसके पास में यहां पर एक और पोर पाया जाता है, एक चैम्बर पाया जाता है, इस चैम्बर को हम कहेंगे कोरोनरी, कोनो कोरोनरी साइनस, और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं नोडल क्षेत्र, तो इसको आपने कहा इंटर नोडल स्पेस। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है यहां राइट ओरिकल के अंदर बच्चों बनती है। ऐसी स्ट्रक्चर अब हम यहाँ एक एक करके समझ चुके हैं कि किस प्रकार से एवी नोड उपस्थित होता है। एवी नोड में भी यह एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, कितना, लगभग 40 से 60 मैक्सिमम में यहां पर प्रति मिनट के हिसाब से लयबद्ध आवेग की दर से आवेग उत्पन्न करता है, और मेंढक में एवी नोड है वो नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखें यहां। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे नोड और एवी नोड दोनों के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, तो आपको कहोगे रिदमिक टाइप की तरंग, रिदमिक वेव, रिदमिक तरंग उत्पन्न होती है या लयबद्ध तरंग उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन भी यहां पूछा जाता है बच्चों कि यहां ऐसे नोड और एवी नोड जो है इसके अंदर जो संकुचन तरंग उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, अरिदमिक होती है या रिदमिक होती है, लयबद्ध होती है या अलयबद्ध होती है, निरंतर जारी होती है या अनिरंतर जारी होती है। तो निरंतर ये तरंगे इस प्रकार से वेग उत्पन्न होती रहेगी और हमारा हृदय लगातार संकुचित होता रहेगा, इसीलिए कहा जाता है जन्म से पूर्व यह संकुचित होना प्रारंभ होता है और मृत्यु अपरांत ये संकुचित रहता है, जैसे ही ये काम करना बंद कर दे तो हमें मृत घोषित कर दिया जाता है, इसलिए इसको चलना, इसको गति करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है। हिज के बंडल है, नेक्स्ट जो संरचना है हिज के बंडल है, हिज के बंडल है, इसकी खोज हिज नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आलिंद और निलय के पेशियों के बीच में संबंध बनाता है, ये बात आप समझ चुके होंगे कि यहां जो चैम्बर था इस चैम्बर को हम कहेंगे एट्रिया, राइट एट्रिया, और यहां पर ये नोड थी एवी नोड। अब यहां से एक बंडल बनता है, ये बंडल ओरिजिन कहां से हो रहा है, ये ओरिजिन हो रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहां तो एवी जो बंडल है, इस बंडल का नाम दे दिया गया एवी बंडल, एवी बंडल दे दिया गया। एवी बंडल क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया यहां आलिंद है और ये निलय है नीचे, इस दोनों की पेशियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एवी बंडल करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक क्वेश्चन बना है यहां। इसके बाद में कह रहा है कि एवी नोड से ये शुरू होता है तथा बाएं और दाएं शाखाओं में विभाजित होकर निलय की ओर जाता है, आगे चल के ये कहां जाएगा, ये इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये विभाजित हो जाएगा इस प्रकार से, और दो यहां राइट पार्ट में राइट वेंट्रिकल और यहां लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार के बंडल को हम एवी बंडल कहते हैं। तो ये अलग से मैंने फिर यहां पर आपको बता दिया कि एवी बंडल, ये भी यहां पर एक संकुचन तरंग एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, किस प्रकार का एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, तो देखिएगा एवी बंडल की बाईं शाखा
अंत में नीलई खांच के बाई और प्रकिंजे तंतुओं में विभाजित होकर बाई नीले की दीवार में वितरित हो जाती है तथा 35 से 40 प्रति मिनट वो की दर से आवेग उत्पन्न करती है और ये आवेग अलयबद्ध अलयबद्ध का मतलब एरिदमिसिटी एरिदमिसिटी रिदमिक वेव एरिदमिक वेव है वो उत्पन्न करता है। तो ये भी है कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि नोडल टिश्यू में कौन कौन से नोडल टिश्यू एरिदमिक कौन से नोडल टिश्यू रिदमिक प्रकार के तरंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ऐसे नोड और एवी नोड रिदमिक तरंग उत्पन्न करते हैं। एवी बंडल आगे चलेंगे प्रकिंजी तंतु ये दोनों एरिदमिक प्रकार की तरंग उत्पन्न करते हैं। यहां जो तरंग उत्पन्न होगी 35 से 40 प्रति मिनट की दर से होगी। एवी नोड है वो 40 से 60 प्रति मिनट की दर से उत्पन्न कर रहा है। ऐसे नोड है 70 से 80 प्रति मिनट की दर से उत्पन्न कर रहा है। ऐसे नोड वह भाग है जहां पर संकुचन तरंग सर्वप्रथम उत्पन्न होती है। तो ये बात हम यहां समझ सकते हैं इस प्रकार से। फिर कहते हैं प्रकिंजे तंतु अनेक रूपांतरित पेशी तंतु है जो अनुकंपी तंत्रिका तंतु की तरह कार्य करते हैं अर्थात सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। हम तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें अनुकंपी और प्राणुकंपी प्रीतीय तंत्रिका तंत्र होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है जो अनुकंपी होता है और प्राणुकंपी होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमें शरीर में उत्तेजना अंगों में उत्तेजना उत्पन्न करने में सहायक है और प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र हमें विश्राम प्रावस्था में लाने में सहायक है। इस प्रकार हृदय का जो ये तंतु है प्रकिंज तंतु है वो या सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के भांति कार्य करता है और लगातार एक्साइटेबल रहता है उत्तेजित करने का काम कर रहा है। और ये भी यहाँ फिर अनेक शाखाओं में विभाजित रहता है तो इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज या हिज की शाखाएं है वो उत्पन्न होती है और निलय की मायोकार्डियम स्तर को उद्दीपन प्रदान करता है जिससे निलय में संकुचन होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कितनी तरंगें उत्पन्न होती है तो 30 से 35 प्रति मिनट की दर से अलयबद्ध आवेग उत्पन्न होते हैं। तो अब देखिएगा आप हम बात करें ऐसे नोड में कितनी आवेग उत्पन्न हो रहे थे 70 से 80। इसके बाद में हम करें एवी नोड में कितने उत्पन्न हो रहे थे 40 से 60। इसके बाद में हम बात करें बंडल ऑफ हिज इसमें कितने उत्पन्न हो रहे थे 35 से 40। इसके बाद में हम बात करें प्रकिंजे फाइबर इसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं यहां पर 30 से 35। तो इसका मीनिंग 70 से 80 40 से 60 और 35 से 35 35 से 40 ग्रेटर देन। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि यहां पर एक सीक्वेंस बताइए कि सर्वाधिक आवेग किसमें उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में घटते हुए क्रम है इस नोडल टिश्यू में क्या पाया जाता है। सबसे कम आवेग किसमें उत्पन्न होते हैं तो प्रकिंज फाइबर में सबसे कम आवेग उत्पन्न होते हैं परंतु सबसे फास्ट आवेग चलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आवेग की संख्या जरूर सबसे कम है लेकिन स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड है वो किसकी होती है वो पीएफ की होती है। प्रकिंज फाइबर में आवेग की गति की है आवेग की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है और सबसे कम स्पीड किसमें होती है तो एवी नोड के अंदर सबसे कम स्पीड होती है। स्पीड और यहाँ नंबर दोनों डिफरेंट क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। इसके बाद में कुछ शब्द काम में लिए गए कुछ पॉइंट काम में लिए गए। नोडल पेशीय तंत्र नोडल जो सिस्टम है में किसी प्रकार की बाहरी उत्तेजना के बिना क्रियात्मक विभव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है इसलिए इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। कहने का मीनिंग ऐसे नोड अपने आप कुछ आयनों के प्रभाव से कैल्शियम आयन सोडियम आयन पोटेशियम आयन इनका योगदान होता है इनके प्रभाव से क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है
और विभव उत्पन्न करके यहाँ संकुचन तरंग बनाता है, तो खुद में ही संकुचन तरंग यहाँ बनती है, लेकिन इस संकुचन तरंग को मेंटेन रखने का काम भी यहाँ पर ऐसे नोट करता है, उत्पन्न भी कर रहा है और पूरे हर्ट में ये मेंटेन रहे, जो 70 से 80 के बीच में एवरेज 72 या 75 हम कहते हैं, 75 कहते हैं, वो बनाए रखने का काम भी ऐसे नोट करता है। यदि ऐसे नोट और एवी नोट दोनों को हटा दिया जाए तो संकुचन तरंगे तो उत्पन्न होती रहेगी बंडल ऑफ हिज और प्रकिंज फाइबर के द्वारा, लेकिन अनियमित उत्पन्न होगी जिससे एक डिजीज हो जाती है, इसे एरिदमिया कहते हैं और एरिदमिया के कारण हमारी डेथ हो सकती है। ये स्पार्किंग कह सकते हैं, वायर में स्पार्किंग होगी और कभी तो ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो हम कह सकते हैं लाइट कम या ज्यादा होती है उसके हिसाब से इसमें भी ये कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसे चीज को हम कहेंगे यहाँ पर कि नोडल टिश्यू है, उसके अंदर ऐसे नोड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में SAN सर्वाधिक 70 से 75 मिनट प्रति मिनट क्रियात्मक विभव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इसमें लयबद्ध संकुचन तरंगे उत्पन्न होती है। ऐसे नोड और एवी नोड में संकुचन तरंगे